कहानी अनोखा परिवार। एक गांव महिष्मति था, वहां एक परिवार रहता था। उसमें तीन विवाहित जोड़ियां रहती थी। इस परिवार में बहुओं के कारण एकजुटता थी, पर तीनों भाई आपस में एक दूसरे से चिढ़ते थे। इससे पूरा परिवार दुखी था। एक दिन सास ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, बहुओं, तुम तीनों जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और इस परिवार को अब तक एक साथ बनाए रखा है, लेकिन अब तुम तीनों को ही इस परिवार को आगे संभालना है। जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं और आपके आदेश का पालन करेंगे। बहुओं, जैसा तुम लोगों को पता है कि तीनों भाइयों में सही मेल नहीं बैठ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों कुछ ऐसा करो कि वो फिर एक साथ हो जाए। बहुओं, मैंने तो तीनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बीच का तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पहले की तरह वापस खुशहाल हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। इस उम्र में अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, बचपन में तो इनमें इतना प्यार था। मेरा दिल कहता है कि वो प्यार अब भी है, लेकिन शायद उनके बीच कुछ अनकही बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखी हैं। जब तक तीनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कहेंगे, तब तक उनके बीच मतभेद होते ही रहेंगे। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। आप और पिताजी जैसा चाहते हैं वही होगा। तीनों बहुएं रसोई घर में कुछ देर तक चुप रहकर आपस में कुछ सोचती हैं। माँ जी और पिताजी सही कह रहे हैं, तीनों भाइयों में कड़वाहट बढ़ रही है, हमें कुछ करना होगा। जी दीदी, आप सही कह रही हो, मुझे भी उन्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, लेकिन हम करें तो क्या करें? तीनों सोचती हैं। दीदी जी, मेरे पास एक सुझाव है। हाँ बोलो राधा। हाँ, बताओ क्या सुझाव है? मेरा सुझाव है कि हमें तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए और उन्हें अपना मन मुटाव कम करने के लिए कहना चाहिए। हाँ राधा, तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, पर कहीं इससे बात और न बिगड़ जाए। दीदी जी, जब तक तीनों भाई आपस में अपने मन मुटाव नहीं सुलझा लेते, तब तक वो फिर से भाइयों की तरह नहीं रह पाएंगे और घर में और भी झगड़े होते ही रहेंगे। जब तक वो अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कहेंगे, तब तक हम उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ ये सब ठीक है, पर हम उन्हें एक कमरे में कैसे भेजेंगे? रानी कुछ पल सोचते हुए, मैं राकेश जी को भेज दूंगी। मैं रमेश जी को समय पर कमरे में पहुंचा दूंगी, मुझे खुद पर विश्वास है। मैं भी सुनील जी को कमरे में भिजवा दूंगी, और हमें ये करना होगा। तीनों बहुएं समय निश्चित करती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। अजी सुनते हो, मुझे संग्रहालय से कुछ सामान लेना है, तो आप मेरे साथ चलिए। हाँ चलो, तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कमरे में ले जाकर रानी राकेश को कमरे में बंद कर देती है। रानी ये क्या कर रही हो? मैं कमरे में बंद हूँ, ये खोलो। राकेश जी आप थोड़ा रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ओहो जल्दी करो रानी। इसी तरह महिमा और राधा भी अपने अपने तरीकों से अपने अपने पतियों को कमरे में बंद कर देती हैं। तीनों भाई एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं पूरी कहानी। तभी दरवाजे के नीचे से एक पत्र आता है। अरे देखो कोई पत्र आया है। हाँ मैं देखता हूँ। क्या लिखा है उसमें, पढ़ो उसे। हम तीनों ने आपको इस कमरे में बंद कर दिया है ताकि आप आपस में बात करो और समस्या का समाधान करो। हम उसके बाद ही दरवाजा खोलेंगे, इसलिए आप तीनों के लिए अच्छा होगा कि आप आपस में बात करो। तीनों भाई मुंह बनाते हुए एक दूसरे से अपनी बात करते हैं। हम तीनों बहुओं को अच्छे से जानते हैं, वो तीनों हमें तब तक बाहर नहीं जाने देगी जब तक हम फिर से साथ ना हो जाए। हाँ आप सही बोल रहे हो बड़े भैया। हाँ मुझे भी यही लगता है कि जो भी अब तक हम तीनों भाइयों में हुआ उसको सही करने का समय आ गया है। आखिर कब तक हम ऐसे ही बाकी घर वालों को दुखी करते रहेंगे।
मैं अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों से चिढ़ता हूँ। मैं खुश हूँ तुम दोनों की तरक्की देखकर, पर कभी कभी मुझे अपने काम के कारण गुस्सा आता है और वो तुम दोनों पर निकल जाता है। हाँ, मैं भी अपने काम के कारण ही बात नहीं कर पाता हूँ, और हमको एक दूसरे से बात ना करते देख हमारे पड़ोसी हमें आपस में झगड़े करने को उकसाते हैं। हाँ भैया, आप कब तक काम का बहाना करते रहेंगे? क्या मतलब? भैया, काम तो हम सभी करते हैं, पिताजी भी काम करते थे, लेकिन क्या काम का गुस्सा घर पर लेकर आना सही है? काम का गुस्सा घर लेकर आने से घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है। सच तो यह है कि आपको अपने गुस्से पर काबू नहीं। भैया, मैं सुनील से बिल्कुल सहमत हूँ। आप बचपन में इतने गुस्से से भरे नहीं थे। याद है बचपन में हम तीनों के बीच कितना प्यार हुआ करता था। शरारत करने पर जब मुझे पिताजी से मार पड़ने वाली थी तो आप ही मुझे हमेशा बचाते थे। हाँ भैया, हम दोनों आप ही को देखकर आपसे सीख कर बड़े हुए, लेकिन आप अचानक इतने बदल कैसे गए? तुम ठीक कहते हो, मैं खुद नहीं देख पाया मैं इतना बदल कैसे गया। बचपन से जिम्मेदारी उठाने की आदत पड़ गई। तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं देखना चाहता था। जिम्मेदारी संभालते संभालते सब कुछ बदल कैसे गया पता ही नहीं चला। भैया, तब हम छोटे थे, लेकिन अब तो बड़े हो गए, और बड़े होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाना भी तो हमारा फर्ज है। हाँ भैया, और आपका हाथ बटाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे कोई खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं तुम दोनों के कंधों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहता, आखिर तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो। भैया, हम आपसे हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन घर की और काम की जिम्मेदारी निभाना हमारा भी तो फर्ज है ना। हमें भी अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। हाँ भैया, और अगर हम तीनों काम के इस बोझ को साथ मिलकर उठाएंगे तो सबके लिए आसान हो जाएगा। और जरा ये भी तो सोचिए, तब आपको भी इतनी चिंता नहीं होगी, और फिर घर का वातावरण भी बना रहेगा। जरा सोचिए, घर में फिर से सभी लोग खुश रह पाएंगे। इस गुस्से से किसी का भला नहीं होगा और हमारा परिवार हमेशा दुखी रहेगा। तुम दोनों इतने बड़े कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। बाबूजी सच कहते थे, जब घर के छोटों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए तो वो बड़े हो जाते हैं। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे बात समझने में थोड़ी देर लग गई। तीनों भाई आपस में गले मिलते हैं। चार घंटों बाद तीनों भाई एक पत्र लिखकर दरवाजे के नीचे से भेज देते हैं और बड़ी बहू उसको पढ़ती है। हम तीनों भाइयों ने आपस में बात कर ली है और हमें यकीन है कि हम आगे कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करेंगे। हम तीनों हस्ताक्षर कर रहे हैं। राधा दरवाजा खोल देती है। तीनों विवाहित जोड़ियां एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक साथ सीढ़ियों से नीचे जाती है। तीनों को एक साथ और खुश देखकर, अगर हमारी बहुएं पढ़ी लिखी और अच्छी संस्कारी नहीं होती तो ये कभी नहीं हो पाता। हाँ, आप सही बोल रहे हो। एक लड़की का बहुत बड़ा सहयोग होता है एक परिवार को मिलाकर रखने में। तीनों विवाहित जोड़ियां अपने मम्मी और पापा के चरण स्पर्श करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। आपस में मनमुटाव मिटने के बाद पूरा परिवार खुशहाल हो गया और एक दूसरे के लिए उनका प्रेम और भी बढ़ गया। अब सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं और उनके बीच झगड़े भी नहीं होते।